ये तुम्हें पता नहीं था क्या यहाँ ऐसा रास्ता है? मिनट दिखा रहा है, गलत हो गया। हिल गई। भाई मेरी लीलिंग में बहुत फटती है। और भाई खट्टे। सो भाई अब अपना ग्रुप आ चुका है फाइनली। और वो वाली आपको याद होगा, मैंने उस पर वीडियो शूट करी थी, वो बीच में भाई के जो हाथ में R15 ये वाली बीच में जो चल रही है उस पर वीडियो बनाई थी। तो ये सारे ही भाई अपने साथ हैं और थोड़ा ये लेट हो गए थे, अब आवाज़ की दिक्कत आएगी गारंटीड। और मेरी चल रही है बिल्कुल धीरे और ये भगाते हुए जाएंगे। थोड़ा हम भी इनके साथ बनाने की कोशिश करते हैं साथ में। भाई मेरी लीडिंग में बहुत फटती है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं इसलिए थोड़ा धीरे ही कर लेता हूँ, मैं ज़्यादा दिखाता नहीं हूँ। पेट्रोल के लिए रुक रहे हैं सारे भाई लोग। भाई वो सीबी शाइन वाला बंदा बिल्कुल उनके साथ चल रहा है, बाकी ये दो भाई भी R15 और ये फेजर वाले उससे पीछे हैं। वो सीबी शाइन वाला हार ही नहीं मान रहा, देख रहे हो टैलेंट है बंदे में। भाई ये मेरे से भगी नहीं रही है, देख लो फुल खेच रखी है। थोड़ा भाई नीचे झुक के देखता हूँ कुछ फर्क पड़ता है तो, मेरे को तो थोड़ा बहुत लग रहा है जा रही है। सो अभी हम जस्ट थ्रॉटल के बाद पहुंचने वाले हैं। और यार ये आवाज़ की थोड़ी दिक्कत लगती है, इसलिए मैं थोड़ी इसका हाई स्पीड में कम ही भगाता हूँ क्योंकि आवाज़ साफ नहीं आती। ये रहा देखो भाई सीबी साइड वाला आ ही जा रहा है। तो पहुंच गए भाई अपनी, ये थ्रॉटल है साइड में, राइट साइड में ये रहा, ये दिख रहा होगा आपको। खाली पड़ा है यार, मतलब बाइक वालों ने आना छोड़ दिया क्या? भगाते सीट के 3 डंडे उड़ गए, पेट्रोल का 1 डंडा गिर गया। दिखना बंद हो गया। एक तो ना ये ट्रकों के पीछे थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है क्योंकि चढ़ाई है ना, ये फुल लोडेड रहते हैं, पता नहीं चला पलट गए या बैक ही आ गए। तो इनसे जितना दूर रहो उतना बढ़िया है भाई ऐसी जगहों पे, क्योंकि ये कभी कभार क्या होता है क्लच स्लिप हो जाती है इनकी भी। और अभी मैं सबसे आगे पहले ही भग गया हूँ क्योंकि यार मुझे पता है ये अगर ये आगे निकल गए तो फिर मैं इनको पकड़ नहीं पाऊँगा। लेकिन भाई उसी विषय वाला बंदा कुछ अलग ही है यार, वो तो उनके साथ और उनसे आगे चल रहा है भाई, बरेनी वरेनी चल रही है, उनके आगे निकल जा रहा है, वो तो फुल गलत है यार वो तो। भाई 32 किलोमीटर चले हैं अभी, 33 हो जाएंगे और दो ढाई घंटे तो पहले ही गिर गए स्कूटी के भगाते। दबा के पेट्रोल पी रही आज, क्योंकि मैं दबा के भगा भी रहा हूँ क्योंकि भाई इनके साथ मेरे को थोड़ा बना के चलनी पड़ रही है, नहीं तो पार हो जाएंगे अकेले ही। अरे भाई बैनली वाला मतलब बहुत सही चला रहा है, बहुत सही इन द सेंस कि वो भगा सकता है लेकिन वो सबके साथ मिलके चला रहा है। सो भाई अभी पता नहीं कौन सी वैली जा रहे हैं, मेरे को बस इतना पता चला है। और ये इसका रास्ता यहाँ से है, जस्ट हमने वहाँ से लेफ्ट लिया तो यहाँ से जा रहे हैं। अब पूरा आइडिया नहीं मेरे को बिल्कुल भी कौन सी वैली, क्योंकि मैं तो पहली बार ही आया हूँ उस साइड। और अभी फुल ऑफ रोडिंग चलने वाली है, बढ़िया वाली, मज़ा आएगा। एंटॉर्क है ना उसका स्वाद है भाई, और भाई ठीक है लेकिन एंटॉर्क का स्वाद थोड़ा अलग ही है। देखो व्हीली अब फिर रुक गया, पता नहीं क्या बात हो भाई, ये तो कुछ गलत ही है। यहाँ पे सुपर बाइक लाना मतलब थोड़ा बेकार ही है भाई, ये देख के निकलना पड़ेगा, ये नीचे से लग जाएगा नहीं तो भाई गिर मत जाना, कोई खामा खा का नुकसान हो जाएगा।
एक तो स्पोर्ट्स इनके गिरते हैं फेयरिंग और टूटेगी तो उसमें ज़्यादा दिक्कत है भाई। देख लेते हैं एंड टॉक में कितनी जान है, क्योंकि बहुत वैसे बता रहा हूँ पत्थर वाला रास्ता और चढ़ाई है हल्की फुल्की और स्वाद आ रहा है भाई मेरे को तो, सीरियसली बताऊँ तो। एंड टॉक तो भाई पूरा स्किड मार रही है। ओ भाई ये गलत हो गया, अरे शिट यार, यही कह रहा था मैं, ये नहीं होना चाहिए था, शिट यार। कोई बात नहीं भाई, उठ कोई बात नहीं भाई, कोई भाई ऐसे तो मैं गिर जाएगी, भारी बहुत है। यार फालतू फोन हो गया, मैं यही कह रहा था यार ये गिर ना जा, और ये गिर ही गई, गलत हो गया यार। एक तो इतनी महंगी बाइक और है, यहाँ से भी रगड़ रही है, वो नीचे से भी देखनी पड़ेगी। मैं थोड़ा पीछे रह दूँगा, पत्थर मेरे मुंह पे ही आए सारे। चलो इन टुक को भी निकालते हैं यहाँ से। मैं वही कह रहा था ना भाई, यहाँ पे अपने कोई निंजा विंजा लाने वाला जो होगा ना, वो मतलब हिम्मत वाली बंदा होगा जो इतनी भारी बाइक और वो ऐसी जगह से निकालेगा। एंड टॉक में भाई कुछ ज़्यादा ही जान आ रही है, मतलब ऐसे मैं रेस दे रहा हूँ ना तो ऐसे सांप बन के फिसल रही है। मैं कोई नहीं, आराम से ले जाऊँगा भाई, किसी को खामखा डराना नहीं है। भाई वही तो कह रहा हूँ, देखो ना कितना, मतलब एक तो टायर पंचर होने का भी डर है यहाँ पे, एक तो नुकीले नुकीले काटे इतने, और थोड़ा अगर आओ यहाँ पे जीन्स वीन्स पहन के आओ, नहीं तो पता चला आपका पैर ही छील दे उन काटों ने। और सही स्वाद आ रहा है भाई मेरी तो, बढ़िया ऑफ रोडिंग हो रही है, खुशी सी मिल रही है। आज सही उठ गया मैं, वैसे उठने नहीं वाला था सोए, क्योंकि रात के 2 बजे सोए। तो भाई भाई बता रहा है एक पहली लेक यहाँ पे है, और इसके आगे ऐसी 2-3 और हैं। देखो अभी देखो भाई इतनी गंदी स्लिप हुई, मतलब पूरा टायर स्पिन मार रहा, क्योंकि मैं पूरी रेस दे रहा हूँ ना, पता नहीं आज कुछ ज़्यादा ही जान दिखा रही है ये। वैसे रोज का तो नहीं है, मूड के ऊपर है भाई इसके, कभी मूड होता है तो ये 105-106 चली जाती है, नहीं होता, नहीं भी मूड होता ना तो ये 90 के ऊपर भी नहीं जाती, 88 पर जाके अटक जाती है। पता नहीं क्या एनर्जी ड्रिंक सी मिल जाती है सर कभी कभार। भाई बहुत लोग आ रखे हैं यहाँ, देखो कितनी गाड़ियाँ पार्क हैं राइट साइड में मेरे, आपको दिख रहा होगा। पता नहीं भाई कौन सी लेक डाली है, अभी 24 मिनट दिखा रहा है। कोई रेस हो रही है ना भाई, फिर पीछे देखिए धोड़म धाड़ हमारी क्या गलती है भाई, धूल उड़ाते आ रहे हो तुम भाई रोड पर। हम तो आराम आराम से आराम से भी चल सको भाई, बात की स्पीड में खैर चले चले तो बता दे, पैदल पैदल ऐसे तो खरीद मिल जाए, ऐसे तो जाओ ऐसे ना, तो हम एक्सीडेंट दे रहे हो बात को भाई। पक्के रोड पे घूम लो यार, क्यों पक्के रोड पे हम क्यों घूम रोड है वो बंद कर दे थारी, पक्के रोड पे चलने को बनी है, अब बनी है ना बनी, अलाउ नहीं यहां पे इतनी तेज तो नहीं भगा यार भाई। और मेरी बात सुन, वकालत तो करो मत, ठीक है हम कई केस में गिर रहे तुम तो कोई ना, अपने हिसाब से आराम से आराम से चलन तुम तक कह क्या रहे, आराम से चल रहे हम, आपने हम भगाते देखियो, आपने हम भगाते देखियो, अरे थारी यहां तो लेकर धूलम धाड़ पीछे करते आ रहे। अबे यार हम भी तो ढीरे ही चल रहे हैं, ठीक है समझ गया, धूल मिट्टी उठेगी, अब धूल मिट्टी वाली रोड है तो धूल मिट्टी उठेगी, अब बंदा पैदल भी भागेगा तब भी उठेगी। भाई पता नहीं ऐसी लुक दे रहे हैं हम, मतलब अच्छे से खुश होके देख रहे हैं लोगों को अच्छा लग रहा है। हाँ भाई बाइकों को देख के राइडरों को देख के, मतलब दबा के भीड़ है भाई यहाँ। और यहाँ देखो भाई स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है,
गंदगी उठा रहे हैं लोग, बढ़िया चीज़ है यार ये भी। अबे तेरी, ये क्या भाई, पहले में भाई ये तो खतरनाक चीज है, बलेनी वाली की फिर दिक्कत आएगी जहां तक है। हो गया भाई, मिशन सक्सेसफुल, वहां नहीं पहुंचे लेकिन यहां तक तो आ गए। सो गाइस फाइनली डेस्टिनेशन पे भाई पहुंच गए, देखो आप पीछे पूरा लाइन अप हो रखा है और ये लेक रही, तो मैं आपको एक पास से दिखा देता हूँ। देखो हमें जाना एक्चुअली वो वहाँ दिख रही है आपको जगह, वो लोग खड़े हैं, मैं पीछे वाले से दिखाता हूँ। हमें जाना वहाँ था, वो वहाँ पे देखो उस वहाँ पे, ये यहाँ देखो दिख रहा है कैमल, उधर जाना था हमें, लेकिन अब पता नहीं ये यहाँ पर ऊपर आ चुके हैं, बड़े घूम वाम के वहाँ खड़े थे पहले, जैसे आपने वो उसमें GoPro की फुटेज में देखा था। बाकी अभी यहाँ पे बाइकों का लाइनअप कर दिया और भाई अल्टीमेट स्वाद है यहाँ पे आने में, मतलब ऑफ रोडिंग करने में ना इतनी आपको लेह लद्दाख नहीं दिखेगी जितनी आपने मैंने हमने यहाँ पे ऑफ रोडिंग कर ली है। बाकी और बाइक का एक बार नुकसान दिखा देता हूँ, ये चटक गया है यहाँ से और ये पूरा स्क्रैच है और ये शीशा गायब, तो क्या कर सकते हैं यार, मैं कह ही रहा था गिरना जा रही, गिरी गई। तो बस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ खाएंगे पियेंगे क्योंकि यहाँ खाने पीने का नहीं है, कोई भी आए तो यहाँ खाने पीने का लाओ, नहीं तो यहाँ कुछ भी नहीं है, एक दुकान भी नहीं है क्योंकि होगी भी नहीं यार ऐसी जगह। तो बाकी वहाँ देखो यार कैमल वैमल पूरे खड़े में दिख रहा होगा आपको। तो आपको व्लॉग अच्छा लग रहा तो लाइक कर देना, चलो सब्सक्राइब कर देना, बाकी जो भी अच्छा अच्छा है। बाकी मैं आपके लिए तो व्लॉग तो शूट कर ही रहा हूँ बढ़िया वाले, ये देखो भाई और वहाँ पे बैठे हुए हम ऊपर जाके, ये देखो ये पता नहीं घर सा बना हुआ है वेलकम वाला, बस यही कह रहे थे गिर ना जाए। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और कुछ और बढ़िया होगा तो आपको दिखाते हैं। चलो भाई, और यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा है भाई, वो देखो एक मेरे को उधर बैठा, वो देख रहे हैं ये रहा एक और ऊपर बैठा है, यहाँ घूरने लग रहे हैं सारे। A few moments later.